नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे स्प्लेंडर प्लस BS6 एंड प्लैटिना एज गियर 110 BS6 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली बजाज अपनी प्लैटिना एज गियर को लॉन्च किया है, जहां पर इस बाइक की प्राइस स्प्लेंडर प्लस की बेस ब्रांड जैसा है। तो दोस्तों आप में से जो भी सोच रहे हैं कि एक ही प्राइस सेगमेंट के अंदर कौन सा बाइक खरीदना चाहिए और आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इन दोनों बाइक की प्राइस और फीचर्स कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलर ऑप्शन से। प्लैटिना एज गियर के अंदर फिलहाल दो कलर ऑप्शन मिलेगा, ब्लैक एंड रेड। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक के अंदर फिलहाल चार कलर ऑप्शन मिलेगा, जो है सिल्वर, पर्पल, स्पोर्ट रेड एंड चौथा है हेवी ग्रे विथ ग्रीन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कलर ऑप्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा स्प्लेंडर प्लस के अंदर। इंजन की बात करें तो प्लैटिना के अंदर आपको मिलेगा 115.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर DTSI एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन। दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस के अंदर आपको मिलेगा 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पावरफुल इंजन आपको मिलता है प्लैटिना एज गियर के अंदर। लेकिन दोस्तों प्लैटिना के अंदर एक जो कमी है कि इस बाइक के अंदर आपको मिलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, जहाँ पर स्प्लेंडर प्लस के अंदर आपको मिलता है प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन। और इससे ये फायदा होगा कि आपको ज्यादा माइलेज देखने को मिलेगा स्प्लेंडर प्लस के अंदर। पावर फिगर्स की बात करें तो प्लैटिना मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 8.6 PS का, जो है 7000 RPM के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9.8 Nm का, जो है 5000 RPM के साथ। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो ये बाइक मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 8.01 PS का, जो है 8000 RPM के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 8.05 Nm का, जो है 6000 RPM के साथ। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि प्लैटिना के अंदर आपको मिलता है ज्यादा पावर, उसके साथ ही ज्यादा टॉर्क। टॉप स्पीड की बात करें तो बजाज का मानना है कि प्लैटिना एज गियर की मैक्सिमम स्पीड है 90 किमी पर आवर की। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो हीरो का मानना है कि इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड है 90 किमी पर आवर की, मतलब टॉप स्पीड आपको दोनों बाइक में एक जैसा ही मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो प्लैटिना की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 240 mm का डिस्क ब्रेक और रियर साइड में आपको मिलेगा 110 mm का ड्रम ब्रेक, उसके साथ ही आपको मिलेगा CBS। दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक के किसी भी ब्रांड के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, सभी ब्रांड के अंदर आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, जहां पर फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 130 mm का ड्रम ब्रेक और रियर साइड में आपको मिलेगा 110 mm का ड्रम ब्रेक, उसके साथ ही आपको मिलेगा IBS। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि किस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा बेहतर है। माइलेज की बात करें तो प्लैटिना की माइलेज है अराउंड 74 किमी पर लीटर की, जो अपने अपनी राइड के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक की माइलेज है अराउंड 80 किमी पर लीटर की, जो अपने अपनी राइड के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। टायर की बात करें तो प्लैटिना की दोनों साइड में आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर, जिनमें फ्रंट और रियर दोनों टायर का साइज है 80/100 और दोनों टायर आता है 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक की दोनों साइड में भी आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर, जिनमें फ्रंट और रियर दोनों टायर का साइज है 80/100 और दोनों टायर आता है 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो प्लैटिना की सीट हाइट है 804 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 200 mm का। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 785 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 165 mm का, मतलब सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है प्लैटिना एज गियर का। वेट की बात करें तो प्लैटिना की वेट है 122 kg, जो BS4 के मुकाबले 4 kg ज्यादा है। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक की किक स्टार्ट वैन की वेट है 110 kg और सेल्फ स्टार्ट वैन का वेट है 112 kg, मतलब वेट के मामले में हल्का बाइक है स्प्लेंडर प्लस। सस्पेंशन की बात करें तो प्लैटिना की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर साइड में आपको मिलेगा नाइट्रो ट्विन शॉक्स। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और रियर साइड में आपको मिलेगा 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। और इन सभी के अलावा एडिशनल फीचर्स की बात करें तो प्लैटिना के अंदर आपको मिलेगा LED DRL, हैलोजन हेड लैंप, बल्ब टेल लैंप, बल्ब इंडिकेटर, सेमी डीजल कंसोल, 11 लीटर फ्यूल टैंक, 5 स्पीड गियर बॉक्स। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस के अंदर आपको मिलता है हैलोजन हेड लैंप, बल्ब टेल लैंप, बल्ब इंडिकेटर, एनालॉग कंसोल, 4 स्पीड गियर बॉक्स, 9.8 लीटर फ्यूल टैंक। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एडिशनल फीचर्स के मामले में प्लैटिना आगे है स्प्लेंडर प्लस से। प्राइसिंग की बात करें तो प्लैटिना के अंदर फिलहाल आपको एक ब्रांड मिलेगा जिसका प्राइस है 59,800 रुपीज एक शोरूम। और दूसरी तरफ स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको तीन ब्रांड मिलेगा, जहाँ पर किक स्टार्ट वैन का प्राइस है 59,600 रुपीज एक शोरूम, सेल्फ स्टार्ट वैन का प्राइस है 61,900 रुपीज एक शोरूम एंड I3S वैन
इनका प्राइस है 63,110 एक शोरूम। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि स्प्लेंडर प्लस की किसी भी वैन के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्राइसिंग एंड फीचर्स के हिसाब से इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी बाइक खरीदने से पहले आप उन सभी बाइक की टेस्ट राइड लो। अगर टेस्ट राइड के बाद बाइक पसंद आता है तब उस बाइक को खरीदो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्लैटिना एज गियर 110 BS6 एंड स्प्लेंडर प्लस BS6 के बारे में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।